रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करने वाला देश है। डेटा सर्विस स्टेटिस्टा की माने तो रूसी लोगों और कंपनियों पर 10,500 से ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं। इनमें से 7,500 से ज्यादा प्रतिबंध पिछले 4 महीनों में लागू हुए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद था कि दुनिया रूसी बाजार से कट जाए और रूस पश्चिमी देशों के आगे घुटने टेक दे, मगर ऐसा अभी तक होता दिख नहीं रहा है। इस बीच तमाम सवाल उठ रहे हैं, मसलन इतने प्रतिबंधों के बावजूद रूस की इकोनॉमी काम कैसे कर रही है, इन प्रतिबंधों का रूस के लोगों पर क्या असर पड़ा है। हम आपको तमाम उदाहरणों के जरिए बिल्कुल आसान भाषा में पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे। बात इसकी भी करेंगे कि रूस की इकोनॉमी जिस तरह बढ़ रही है उसका भारत पर क्या असर होगा। चलिए आपको एक कार के जरिए एक उदाहरण से ये बात शुरू करते हैं। लाडा ग्रांटा रूस के बाजार में उतरी एक ऐसी कार जिसमें कोई एयरबैग नहीं है, कोई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। फिर भी इस कार को जिस तरह से बेचा जा रहा है वो जानना दिलचस्प है। दरअसल न सिर्फ इसे ज्यादा किफायती बताया जा रहा है बल्कि इसे एंटी सैंक्शन कार बताया जा रहा है, यानी जिस तरह से सैंक्शन लगे हैं अगर इस कार को कोई खरीदता है तो वो एंटी सैंक्शन यानी कहीं ना कहीं देश की भावना को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी सैंक्शन की वजह से रूसी कार मेकर सभी जरूरी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद नई लाडा कार से भी रूसी इकोनॉमी की हालत काफी हद तक समझी जा सकती है। मतलब भले इसमें खामियां हों लेकिन ये बस किसी तरह काम कर रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रूस एनर्जी और रॉ मटेरियल का निर्यात करके अच्छी खासी कमाई कर रहा है। एक टर्म है करंट अकाउंट सरप्लस। इसके जरिए भी आपको रूस की इकोनॉमी की हालत समझने की और समझाने की बताने की कोशिश करते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब होता है पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस। और आसान भाषा में समझे तो करंट अकाउंट सरप्लस तब होता है जब कोई देश सामानों और सेवाओं का निर्यात ज्यादा कर रहा हो और आयात कम कर रहा हो, मतलब कि उसे देश का विदेश से खरीदारी में खर्च कम हो रहा हो और वो जो सामान और सेवाएं दूसरे देश को बेच रहा हो उससे कमाई ज्यादा हो रही हो। हालांकि कभी कभी ऐसा तब भी हो सकता है जब उस देश का आयात मंदी के चलते घरेलू मांग में कमी की वजह से कम हो जाए। तो बात यह है कि सेंट्रल बैंक डेटा के मुताबिक साल 2022 के पहले 4 महीनों में रूस का करंट अकाउंट सरप्लस 95.8 बिलियन डॉलर रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा महज 27.5 बिलियन डॉलर था। मतलब रूस को भारी फायदा हुआ। रूस इसका इस्तेमाल न सिर्फ मिलिट्री की फंडिंग में कर सकता है बल्कि इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करने में भी कर सकता है, जिससे बेरोजगारी तेजी से ना बढ़े और इनकम बहुत ज्यादा कम ना हो। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपनी करेंसी रूसी रूबल को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे कि उसने कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपनी 80% तक विदेशी करेंसी कमाई को रूबल में बदले। रूस ने वेस्टर्न यूरोपियन कंपनियों को कहा है कि वे रूसी नेचुरल गैस खरीदने के लिए स्पेशल अकाउंट खोलें और रूबल में भुगतान करें, नहीं तो एकदम से सप्लाई बंद होने का रिस्क उठाने को तैयार रहें। इन कदमों से रूसी रूबल की मांग पैदा हुई और इसकी वैल्यू को भी फायदा पहुंचा, जिससे महंगाई से लड़ने में भी काफी हद तक मदद मिली। एक मुद्दा बेरोजगारी का भी है जिससे निपटने की भी रूस ने काफी कोशिश की है। बेरोजगारी तेजी से क्यों नहीं बढ़ी, इसका भी एक उदाहरण देखें तो जब मैकडोनाल्ड ने रूसी बाजार को छोड़ा तो उसके खरीदार के लिए एक शर्त रखी गई। इसके तहत खरीदार को टेकओवर के बाद कम से कम 2 साल तक रूस में मैकडोनाल्ड के स्टाफ को नौकरी पर रखना होगा, कुछ भी हो। लेकिन रूसी इकोनॉमी प्रतिबंधों के असर से बच नहीं सकती, क्योंकि जो यूरोपीय देश
रूस के एनर्जी के बड़े खरीदार रहे हैं। उनमें से अब धीरे धीरे रूस के बजाय दूसरी जगह से खरीद के विकल्प तलाश रहे हैं। खुद रशियन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि 2022 में देश की जीडीपी में 7.8% की गिरावट हो सकती है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसेस के मुताबिक यह आंकड़ा 30% तक हो सकता है। रूस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इंपोर्ट से कट गया है, जिसकी वजह से और आसानी से भरपाई नहीं हो सकती। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रतिबंधों की वजह से रूस की इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी, मगर एक बात बहुत हद तक साफ है कि रूस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के मामले में पिछड़ जाएगा, जिसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। ऐसे में इस बात पर निगाहें रहेंगी कि रूस इसकी भरपाई कैसे और कब कर पाता है। जहां तक बात रही कच्चे तेल बेचने की, जिससे रूस की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जुड़ा है, तो रूस इस दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। वो सस्ते दामों पर कच्चे तेल बेच रहा है। ऐसे में भारत समेत कई देश रूस के तेल की खरीद बढ़ा रहे हैं। फिलहाल एक सवाल यह भी है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से रूस के लोग बहुत ही दोयम दर्जे की चीजें इस्तेमाल करने को मजबूर हैं और रूसी जीडीपी को भी भविष्य में भारी नुकसान होने की आशंका है, तो ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जनता को किस तरह संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में रूस ने जब 9 मई को सालाना विजय दिवस मनाया था, तब पुतिन ने अपने रुख को काफी हद तक साफ किया था। आपको बता दें कि रूस विजय दिवस को दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की जीत को याद करने के लिए मनाता है। ऐसे में पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध को भी दूसरे विश्व युद्ध से जोड़कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। पुतिन का कहना है, आज हमारे सैनिक अपने पूर्वजों की तरह अपनी मूल जमीन को नाजीवाद से आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। 1945 की तरह जीत हमारी ही होगी। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराते हुए आरोप लगाया है कि नाटो रूस की सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहा था। पुतिन ने कहा कि ऐसे में रूस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रूस विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि वो सब करना जरूरी है जिससे कि ग्लोबल वॉर का हॉरर फिर से पैदा ना हो। अब बात कर लेते हैं भारत की, ये कि रूस में जो कुछ भी चल रहा है उसका भारत पर क्या असर होगा। तो बात शुरू करते हैं रूस के राजदूत डेनिस ओलिपोव के एक हालिया बयान से। दरअसल एक ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देशों की कंपनियां रूसी बाजार छोड़ रही हैं, तब ओलिपोव ने कहा कि रूसी बाजार में भारतीय बिजनेस के लिए बहुत सारे नए मौके हैं। राजदूत ने यह भी कहा है कि मुख्य मुद्दों पर दोनों देशों का रुख या तो एक जैसा होता है या फिर काफी हद तक मेल खाता है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक रूस यूक्रेन युद्ध पर सधे हुए बयान दिए हैं और बातचीत के जरिए इस संकट के समाधान पर जोर दिया है। रूस ने डिफेंस के मोर्चे पर भी भारत को लेकर बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी का काम निर्धारित समय से एक तरह से अच्छी तरह से इसे आगे बढ़ा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने की ओर भी देख रहा है। माना जा रहा है कि भारत अगर ऐसा करता है तो उसे देश में महंगाई कम करने में मदद मिल सकते हैं। चलिए आपको इसकी वजह समझाते हैं। दरअसल रूस तेल सस्ता करके बेच रहा है, तो उससे भारत जो है ज़्यादा तेल खरीदेगा तो भारत का खर्च कम होगा। एक पहलू ये भी है कि भारतीय रिफाइनर्स दूसरे तेल विक्रेताओं से भी बेहतर तरीके से मोल भाव कर पाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को अगर सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलेगा तो इससे देश में पेट्रोल डीजल के दामों को भी काबू में रखने में मदद मिलेगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी काबू में रह पाएगी और इन कीमतों में काबू में होने से महंगाई से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई के बीच सस्ते रूसी तेल ने भारत को थोड़ी राहत दी है, जो 85% से ज़्यादा तेल को इंपोर्ट करता है। हालांकि इस रिपोर्ट में रूस से तेल न खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव का जिक्र भी किया गया है। मगर इस मामले पर पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है
संभवतः उतना तेल तो यूरोपीय देश उससे एक दोपहर तक खरीद लेते हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत का कच्चे तेल के आयात पर खर्च लगभग दोगुना होकर $119 अरब तक पहुंच गया, जबकि इस पिछले साल की बात करें तो वहां समान अवधि में उसका तेल आयात बिल $62 अरब रहा था। 2021-22 में भारत ने 21.22 करोड़ टन आयात किया था और इससे पिछले साल यानी 19.65 करोड़ टन तेल तब आयात किया गया था। हालांकि ये कोरोना महामारी से पहले के साल 2019-20 के मुकाबले कम आंकड़ा है, जब 22.7 करोड़ टन तेल आयात किया गया था तब तेल आयात पर $101.4 अरब खर्च हुए थे। ऐसे में साफ है कि जब भारत बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहा है तो देश के अंदर महंगाई कम करने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि उसे जितना संभव हो सके सस्ता तेल मिले। इस बीच एक खबर ये भी आई कि सऊदी अरब को पछाड़कर रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने मई में लगभग 2.5 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा था। ये भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 16% बैठता है। अप्रैल में पहली बार भारत के समुद्र के रास्ते कुल कच्चा तेल आयात उसमें रूस की हिस्सेदारी 5% तक पहुंची थी। आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल की बात करें तो बीते साल यानी 2021 और 2022 की पहली तिमाही में ये 1% से भी कम थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। इराक मई में भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रहा। भारत ने ग्लोबल एनर्जी की कीमतें बढ़ने के बीच रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने के लिए छूट का फायदा उठाया है। फिलहाल इस बात पर निगाह टिकी है कि रूसी बाजार में जो नए मौके पैदा हो रहे हैं भारत उनका कितना फायदा उठा पाता है।